नमस्कार, आई एम मानसी पवार, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड आई एम अंकिता चौहान, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फ्रॉम EMRS कालसी देहरादून. वेलकम यू ऑल टू द ट्राइबल म्यूजियम ऑफ आवर स्कूल. दिस म्यूजियम इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑफ आवर ट्राइबल कम्युनिटी. द मेन पर्पज टू एस्टेब्लिश दिस म्यूजियम इज टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज एंड टू लिंक द प्रेजेंट विद द पास्ट. जी हाँ, हमारा ये म्यूजियम जनजाति सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है. आप देख सकते हैं, ये है कुछ लकड़ी और मेटल के बर्तन और मेजरमेंट पॉट्स जिनका इस्तेमाल पहले के समय में अनाज नापने के लिए किया जाता था, जैसे पाथा और सेव. और ये है लकड़ी, मिट्टी और पीतल से बने विभिन्न प्रकार के हुक्के और चिलम. ये है लकड़ी की बनी परौंठी और हांडू जिनका इस्तेमाल दूध, दही, मक्खन आदि रखने के लिए किया जाता था. जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, जिनमें से एक जनजाति है भोटिया, जिसका प्रमुख व्यवसाय कालीन बुनना है. आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कालीन बुनने से संबंधित कुछ आइटम रखे हैं, जैसे कयू जिसका प्रयोग ऊन साफ करने के लिए किया जाता है, और ये है विभिन्न प्रकार की तकलियां, और ये है रांच जिसका प्रयोग कालीन बुनने के लिए किया जाता है. ये है तांगोई. अगर मैं कहूं कि ये हमारे इस म्यूजियम का सबसे यूनिक आइटम है तो शायद गलत नहीं होगा. आप देख सकते हैं ये सिंगल लकड़ी का बना हुआ एक पीस है और काफी नक्काशीदार है. इसमें लगी हुई ये रस्सी, इसको कमर में पहना जाता है और पुराने समय में इसका इस्तेमाल बरसाती नदी नालों को पार करने के लिए किया जाता था.